अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया। आज की वीडियो में हेयर एनर्जी की प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये प्रोडक्ट इनकी हेयर डाई शैम्पू है। अकॉर्डिंग टू देम कि वो कह रहे हैं कि 10,000 हेयर डाई शैम्पू जो है वो उनके 10 दिन में सेल हुए हैं। बिगेस्ट सेल रिकॉर्ड है पाकिस्तान में इनका, फर्स्ट टाइम इन एशिया आल्सो। इसके अलावा तमाम जितने भी एक्ट्रेसेस हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने भी इनकी प्रोडक्ट के काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पे देखें, वो अपनी प्रोडक्ट का क्लेम कर रहे हैं कि 5-in-1 बेनिफिट है, हेयर डाई शैम्पू रिपेयरिंग कंडीशनर और हेयर ग्रोथ है। इसके साथ साथ और बहुत ज़्यादा डिटेल इस प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने दी हुई है। नीचे जो एक्ट्रेसेस हैं शगुफ्ता एजाज, उनकी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी रिव्यू दिया है। इसके अलावा यहाँ पर देखें कि नीचे कॉमेंट्स वगैरह में भी काफ़ी कुछ पूछा जा रहा है, जिसका वो साथ साथ आंसर भी दे रहे हैं। ये नीचे पूछा है किसी ने हेयर डाई के रिजल्ट्स कितनी देर तक रहते हैं, और उन्होंने कहा है कि ये 4 to 6 week तक रहते हैं। यहाँ पे जो इस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होने वाली जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पे एक्ट्रेसेस ने और इसके अलावा बाकी सेलिब्रिटीज़ ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके बारे में रिव्यू पोस्ट किए हैं कि ये 5-in-1 प्रोडक्ट है। इसलिए मैंने भी इसको ऑर्डर कर लिया। ये पैकेज मुझे रिसीव हो चुका है, जो कि आप लोगों के सामने आप इसको देख सकते हैं। ये मुझे रिसीव हुआ था 15 अगस्त को, और आज की डेट जो है वो 5 सितंबर है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैंने इस प्रोडक्ट को पहले अच्छे तरीके से चेक किया है। चेक करने के बाद, यूज़ करने के बाद आप लोगों के लिए मैं इसका रिव्यू बना रही हूँ, और ये रिव्यू 100% जो है वो ऑनेस्ट है। ये मेरी तरफ से जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो है वो रिव्यू बता सकते हैं कि अगर आपने इसको यूज़ किया है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए यहाँ पे रिव्यू स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट का। मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है, और अनबॉक्स करने के बाद ये देखें, ये सामने मेरे सामने जो पैकिंग है वो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे सब कुछ वही मेंशन है। इसके बैक साइड पर यूज़ का मेथड है वो मेंशन है। अच्छा, यहाँ पे इसको चेक करते हुए या इसको बाय करते हुए जो फर्स्ट मेन चीज़ मैंने देखी वो ये देख कि ये मुझे 5-in-1 प्रोडक्ट मिल रही है। जैसे नॉर्मली स्पेशली मैं क्या करती हूँ कि अपने शैम्पू हमें बाय करना होता है, कंडीशनर बाय करना होता है, हेयर मास्क बाय करना होता है। इसके अलावा जो डाई यूज़र्स हैं, स्पेशली जिनको ग्रे कवरेज का इशू है, ये शैम्पू उनके लिए भी है कि अगर आपके बाल ग्रे हो चुके हैं तो आपको शैम्पू के अंदर ही आपको डाई भी मिलेगा, कंडीशनर भी मिलेगा। आपके बाल अगर डैमेज हैं तो वो भी रिपेयर होंगे। इसके अलावा अगर आपके बाल हेयर फॉल का इशू है आपको, तो वो भी हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल आपका कंट्रोल होगा। इसकी डिलीवरी चार्जेस को मिला के टोटल जो कॉस्ट मुझे पड़ी वो 29 है। इसलिए मैंने सोचा कि 2900 इस पर लगाना बेहतर है, बजाय इसके कि मैं 1000 का डाई बाय करूँ। 1000 का मेरा डाई, 1500 का मेरा मास्क, इसके बाद कंडीशनर, इसके बाद जो है वो शैम्पू वगैरह, ये सारी चीज़ें करते कराते तकरीबन मंथली मेरा 3500 प्लस में हो जाता था। तो मैंने सोचा 2900 प्लस में अगर ये सारी मुझे पांच की पांच चीज़ें एक ही जगह पे मिल रही हैं तो क्यों ना मैं इससे फ़ायदा उठाऊं। ज़ाहिर है मेरी जगह पे अगर आप होते तो आप भी यही सोचते कि अगर सारी की सारी चीज़ें एक जगह पर मिल रही हैं और उससे कम प्राइस में मिल रही हैं तो आप वही प्रेफर करते। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने बताया कि इनके प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक हैं, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये केमिकल फ्री हैं। जैसा कि इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है नो पीपीडी और अमोनिया एंड सल्फेट फ्री है ये, मतलब इसमें अमोनिया वगैरह नहीं है, कोई भी डाई का ऐसा नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हमारे पास होता है कि जब भी हम कोई डाई बाय करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास डिवेलपर वगैरह और ये वो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये 100% ये क्लेम करते हैं कि ये ऑर्गेनिक है। और इसके अलावा ये बाकी की भी सारी चीज़ें इसी के ऊपर मेंशन है। मैंने बड़ी क्लोज सी करके ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो। अच्छा, जब मैं ये अप्लाई करने लगी तो मेरे माइंड में आया कि सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है कि आपको ग्लव्स वेयर करने हैं, तो थोड़ा सा मेरे माइंड में डाउट आया कि यार ग्लव्स क्यों वेयर करने हैं, है तो ये शैम्पू ही ना, तो जब ये शैम्पू है तो हमें ग्लव्स वेयर करने की क्या ज़रूरत है। उसके अलावा जब ये इसमें अमोनिया वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है, डाई जैसा कुछ नहीं है, तो सिंपल ये एक शैम्पू है, शैम्पू की तरह ही काम करेगा, तो जो मेरे माइंड में था वो यही चीज़ थी। लेकिन जब मैंने ग्लव्स का पढ़ा तो मैं बड़ी हैरान हुई। जैसा कि इन्होंने बाहर लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो है वो आपको मिलेंगे ग्लव्स मिलेंगे, बल्कि ऐसा नहीं था, इसकी पैकिंग के अंदर कोई ग्लव नहीं था। उसके अलावा मैंने इसकी बाकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मैंने इसको यूज़ किया, और ट्रस्ट मी, जब मैंने इसको लगाया ग्लव्स वगैरह वेयर करके, तो इसने मुझे कोई भी, जो पहली चीज़ थी कि शैम्पू वाली, इसने मुझे कोई भी चीज़ नहीं दी है। उसके बाद जब मैंने इसको लगाया, यूज़ किया,
तो सीन ये हुआ कि पहली बार पे ही मुझे कोई इसका कोई ऐसे जैसे झाग वगैरह उसकी बनती है, शैम्पू की बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने एक बार अप्लाई किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। और जो इसको पहले इसको देखते सार जो शॉकिंग चीज़ मेरे सामने आई वो कुछ ये थी, मैं आप भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो ये थी कि जब मैंने इसको ओपन करने की प्रेस करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इसके आगे ये देखें, ये इसका कवर है, लिड है इसके आगे, जिसको आपने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद मैं बड़ी हैरान हुई, ये देखें यूज़ हुआ हुआ है तो इसीलिए ये इस तरह से है। मैं बड़ी हैरान हुई कि जब ये प्रोडक्ट इस तरह से मेरे सामने निकला से, मतलब कि इसके इसके अंदर कोई दो पार्ट हैं, एक तो ये बहुत सख्त है दबाने में भी, ये देखें कि एक तरफ से जो प्रोडक्ट निकल रही है वो वाइट निकल रही है, जैसे कि नॉर्मली हम कोई भी डाई यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक 20 या 30 या 40 वॉल्यूम जो भी होता है और उसके साथ हमारे पास कलर होता है, तो सेम टू सेम ये चीज़ ऐसे निकली। और इसकी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल है इसकी। चले ये भी मान लेते हैं कि ऑर्गेनिक है तो स्मेल तो होगी ही, ठीक है, क्योंकि केमिकल वगैरह नहीं है, ऑर्गेनिक है। उसके बाद आप देखें कि जब मैंने इसको यूज़ किया, ये इसके लिड की हालत देखें, ये सेम टू सेम यही हालत है जैसे कोई भी आप डाई यूज़ करते हैं तो उसकी हालत होती है कि डाई वगैरह आपके कैचर जब आप उसको लगाते हैं, आपके टॉवल वगैरह ये वो सारी चीज़ें उस पे आ रहा होता है। तो सेम टू सेम इसने भी यही चीज़ की, ये आप हालत इसकी देख सकते हैं कि इस इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है, उसके बाद आपने अपने बालों पर इसको पुट करना है। तो पहली चीज़ हेयर डाई, ठीक है, ये हेयर डाई है, शैम्पू नहीं है, रिपेयर नहीं करता है, कंडीशनर नहीं है, और हेयर ग्रोथ का ज़ाहिर है मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको दो बार यूज़ किया है, लेकिन दो बार यूज़ करने पे इसने जो मेरे बालों की हालत की है, इवन कि मेरे बालों में रिबॉन्डिंग हुई हुई है, उसके बावजूद मेरे बालों में ना तो हाथ लगाने हो रहा है, और स्टिल अभी देख लें कि इतने ज़्यादा दिन हो गए हैं उसके बाद तो मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया, आज रिव्यू के लिए लगा रही हूँ। तो देखें कि इसने मेरे बालों की इतनी गंदी वाली हालत की है, ना तो कॉम होता है बालों में, बाल इतने रफ हो चुके हैं जैसे पुराने ज़मानों में अभी भी काफ़ी बुजुर्ग लगाते होंगे, जैसे वो 100 रुपीज़ की बिजन मिलती होती थी बालों को डाई करने के लिए, सेम टू सेम वही चीज़ सामने देखने में आ रही थी। लग रहा था कि बालों को पता नहीं कितना ज़्यादा कोट कर दिया। उसके बाद ये मैंने जो है वो ब्राउन मंगवाया था, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट मेरे बालों में आया वो प्योर ब्लैक आया था। उसके अलावा बालों में बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो गई इसकी प्रोडक्ट की, हालांकि मैंने लगातार कंडीशनर, मास्क, शैम्पू वगैरह सब कुछ उस दिन से यूज़ कर रही हूँ अपने बालों में। स्मेल तो काफ़ी हद तक कम हो गई है मेरे बालों में, लेकिन जो ड्राइनेस है, रफनेस है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही। इसने बालों का सत्यानाश मार दिया, मतलब कि घर से अपने पल्ले से आप पैसे भी भरें और अपने बाल भी ख़राब करें, तो मैं तो बिल्कुल भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, 1% भी रिकमेंड नहीं करूँगी मैं इसको, क्योंकि मैं उस दिन से जो है वो लगातार प्रोडक्ट्स अपने बालों में लगा रही हूँ, कंडीशनर वगैरह लगा रही हूँ, हेयर मास्क लगा रही हूँ, ट्रस्ट मी के मास्क यूज़ कर रही हूँ, इवन कि अपने बालों के प्रोटीन ट्रीटमेंट्स वगैरह कर रही हूँ, लेकिन मेरे बालों की अभी तक जो हालत है वो नॉर्मल नहीं हुई है। इसके बाद भी अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, मैं इसमें बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता आप लोगों का एक्सपीरियंस अगर आपने यूज़ किया है तो कैसा है, लेकिन ये हालत आप देख लें कि मैंने तो सोच रही हूँ कि 900 जो है वो मैंने हमें वेस्ट किए हैं, क्योंकि सिर्फ दो बार इसको यूज़ किया है और ये टोटली वेस्टलेस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है जो कि मेरे कस्टमर ने किया कि अगर ये इतना ख़राब है या इसकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है या कुछ भी, तो इतने ज़्यादा जो एक्ट्रेसेस ने और सेलिब्रिटीज़ ने रिव्यूज़ दिए हैं वो किस खाते में जाते हैं, तो ये इसका भी मैं कुछ नहीं कहूँगी कि उन्होंने किस खाते में उसको भेजा, क्योंकि जाहिर है सिंपली जो मेरे माइंड में आती है कि वो मार्केटिंग पर्पज़ के लिए उनके रिव्यूज़ हैं, वो डेफिनेटली एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए हायर किया गया होगा या कुछ भी ऐसा वैसा। जाहिर है सेलिब्रिटीज़ जो इतने हज़ारों के हिसाब से ट्रीटमेंट अपने बालों पे करवा रहे होते हैं वो इस प्रोडक्ट को यूज़ क्यों करेंगे, और अगर यूज़ किया है उन्होंने तो वो इस तरह का रिव्यू क्यों देंगे, ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं और जान सकते हैं जब आप इसको खुद यूज़ करेंगे, तो फिर आपको आइडिया होगा कि वो किस हद तक ओरिजिनल रिव्यूज़ थे या फेक थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।